अब ये देखिए बच्चों, ये हमारा जो है ये इंडिया का मैप है। उसमें आपको ये है जम्मू कश्मीर, और ये हमारा जो है ये वेस्टर्न पार्ट हिमालय का कहा जाता है, और ये हमारा ईस्टर्न पार्ट हिमालय का कहा जाता है। और इसमें जो ये आपको ये शेप दिख रही है, ये वाली, ये इसको कहा जाता है आग। आग मतलब किसी चीज में कर होना। तो ये हमारा जो हिमालय है वो हमारा जम्मू कश्मीर से लेकर पूरा अरुणाचल प्रदेश तक हमें देखने को मिलता है, इसका एक्सटेंशन जो है। और ये जम्मू कश्मीर वाला पार्ट जो है इसका वेस्ट पार्ट कहलाता है, और वो इसका ईस्टर्न पार्ट कहलाता है हिमालय का। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि इंडिया के बाहर नेपाल, चाइना और जो दूसरी कंट्रीज हैं, हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं, उनको भी कवर करता है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, तो वो हमारा जो है हिमालय की सबसे ऊंची पीक मानी जाती है, जो कि इंडिया में नहीं बल्कि नेपाल में है। तो आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन मैं दे रही हूँ कि इंडिया की सबसे हाईएस्ट हिमालय पीक कौन सी है, विच वॉज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन हिमालय। ये आपका होमवर्क है, ये आपको मुझे करके दिखाना है, बताना है मुझे कौन सा है। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया कि ये किस तरीके से पूरा, अब देखो हिमालय जो है बच्चों, ये हमारी क्लाइमेट के हिसाब से भी बहुत हेल्प करता है। जैसे कि अभी विंटर्स हैं, तो अगर अभी देखिए आप इतनी सर्दी पड़ रही है, अगर हिमालय नहीं होता तो शायद हमारा इंडिया जो है उसका टेम्परेचर माइनस में होता। अब ये देखिए, इसमें हमने देखा था कराकोरम, और आगे देखिए इसमें शिवालिक रेंज, और ये सारी दिखाई हुई है। माउंट एवरेस्ट आपको दिख रहा होगा जो है, माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल वाले एरिया में आता है, और हम देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश तक इसका एक्सटेंशन है। जम्मू कश्मीर में कराकोरम, जास्कर रेंज, बाड़ा लाचा, शिपकिला, ये बीच में लास भी पड़ते हैं, जो कि माउंटेन्स में, माउंटेन्स वाले एरिया और जो प्लेन एरिया है उनके बीच में एक रोड का काम करते हैं। ठीक है, अब रिवर्स देखिए, यहाँ पर इंडस रिवर है, यहाँ झेलम है, रावी है, सतलुज है। ठीक है, ये सारी रिवर्स यहाँ से निकल रही हैं, हिमालय के इधर से होकर जा रही हैं, और सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर भी आपको रिवर्स बहुत सारी, गारो, खासी, जयंते हिल्स भी दिख रही हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर निकल रही है यहाँ से। तो ये मैप आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। और देखिए चाइना है ऊपर, नामचा बरवा जो है वो अरुणाचल प्रदेश के पास में है, कंचनजंगा देखो। अभी नीचे देखो, यहाँ पे कुछ ही हमारे जो है मेन जो पीक है उनके नाम बताए हुए हैं और वो कहाँ कहाँ हैं। जैसे कि माउंट एवरेस्ट, इसकी नेपाल कंट्री जो है उसमें पाया जाता है, इसकी हाइट है 8848। कंचनजंगा इंडिया में है, कंचनजंगा देखिए यहाँ पर, ये देखिए जहाँ पर माउंट एवरेस्ट लिखा है उसी के आगे लिखा है सांगपो रिवर के नीचे। तो ये आप देखिए कंचनजंगा हमारा इंडिया में है, इसकी 8598 है हाइट। मकालू नेपाल में है 8481, यानी इसको आप एक बार देख लेना, ये सीक्वेंस में दिया हुआ है हाइट वाइज कि सबसे ज़्यादा किसकी है, यानी सेकंड नंबर पर कंचनजंगा की हाइट है जो कि इंडिया में आता है। द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर असिमेट्रिकली इन नेचर, द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कम्पोज ऑफ ग्रेनाइट, यानी कि जो फोल्ड ग्रेट हिमालय है ये असिमेट्रिकल है नेचर में, यानी कि हर जगह पर सिमेट्री फॉर्म में, यानी एक जैसी हाइट एक जैसी विथ में नज़र नहीं आता है, और ये ग्रेनाइट से इसका कुछ पार्ट बना हुआ है। इट इज़ पेरेनियली स्नो बाउंड, और ये हमेशा पूरा साल भर बर्फ से ढका रहता है। एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, और यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स हमें देखने को मिलते हैं। द नेम्स ऑफ द ग्लेशियर्स एंड पासिस दैट लाई इन द ग्रेट हिमालय, ये होमवर्क है आपको करना है, और ये बताना है कि कौन सा स्टेट जो है जहाँ पर हाईएस्ट पीक जो है वो पाई जाती है इंडिया में, जहाँ पर कंचनजंगा जैसे कि हमारा है, तो वो कौन से वाले स्टेट के पास में या कहाँ पे पड़ता है, ये आपको बताना है। उसके बाद देखिए
द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम एंड इज नोन एज हिमालय और लेसर हिमालय। मैंने आपको बताया था कि हिमाद्री सबसे ऊंची है, जिसे ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। उसके नीचे जो सेकंड नंबर पर रेंज है वो है हिमाचल, या लेसर हिमालय भी कहते हैं, मिडल हिमालय भी उसको कहा जाता है। इसकी जो हाइट है वो है 3700 से 4500 किलोमीटर, 4500 मीटर्स, और जो हमारा ग्रेट हिमालय उसकी थी 6000 मीटर, उससे ये हाइट में कम है। और इसकी जो एवरेज विथ है वो है 50 किलोमीटर। पीर पंजाल रेंज जो है यहाँ से ये लॉन्गेस्ट है यहाँ पर, और इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज है धौलाधार एंड द महाभारत रेंजेस, जो कि लेसर हिमालय में हमें देखने को मिलती हैं। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। और जो कश्मीर की वैली है, कांगड़ा कुल्लू वैली है हिमाचल प्रदेश में, ये सभी हमें मिडल हिमालय, ये हिमाचल वाले एरिया में देखने को मिलती है, जो माउंटेन्स में पाया जाता है। दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशंस। यहाँ पर हमारे जितने भी हिल स्टेशंस हैं वो यहीं पर पाए जाते हैं, जैसे कि मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, ये सभी आपको पता है हिल स्टेशंस हैं। तो आपको ये बताना है कि ये कौन से स्टेट में हैं और कहाँ पर लोकेटेड हैं, इसको इंडिया के मैप में दिखाना है। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड द शिवालिक्स। अब देखो, सबसे नीचे वाली जो रेंज है उसको हम कहते हैं शिवालिक। दे एक्सटेंडेड ओवर अ विथ ये देखिए हिमालय हमारा ऑफ 10 to 50 किलोमीटर। अब इसकी जो विथ है वो 10 से 50 किलोमीटर है, और एल्टीट्यूड जो इसकी हाइट है यानी कि वो 900 से 1100। देखो 6000 थी ग्रेट हिमालय की, फिर मिडल हिमालय की थी 3700 से 4700 के बीच, और अब इसकी उससे भी कम है 900 से 1100 के बीच। अब दीज रेंजेस आर कंपोज ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स। अब क्या होता है, ये शिवालिक रेंजेस जो है ये कैसे बनी है, यहाँ पर जो रिवर्स ऊपर से ग्रेट हिमालय से बहकर आती हैं वो यहाँ पर लाके सेडिमेंट्स इकट्ठे कर देती हैं, जिनसे सेडिमेंट्स रॉक्स बनते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था सेडिमेंट्री रॉक्स, तो वो जब यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं हिमालय रेंज में नॉर्थ वाले पार्ट में। दीज वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एलिवियम। अब जो यहाँ पर जो सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं बच्चों, वो बहुत ही ज़्यादा एलिवियल या फर्टाइल होते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो सॉइल्स पाई जाती हैं वो भी बहुत फर्टाइल होती हैं, उसको एलिवियल सॉइल भी कहा जाता है। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक्स आर नोन एज डून्स। अब लॉन्गिट्यूडनल वैली के हिसाब से देखें तो जो मिडल हिमालय है और उस जो शिवालिक्स है उनके बीच वाले एरिया को डून्स कहा जाता है, जैसे देहरादून, कोटली डून, पाटली डून, ये सभी डून्स हैं, इनको डून्स के नाम से जाना जाता है। बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन द हिमालय हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मैंने आपको भी बताया, अगर लॉन्गिट्यूड के हिसाब से बात करें तो ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ फैला हुआ है। दीज डिवीजन हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैलीज। और इसको हम कैसे देख सकते हैं डिवीजन को, रिवर्स की वैली के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज हैज़ बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय, बट इट इज़ ऑल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। यानी कि अगर इसको इंडस और सतलज रिवर के हिसाब से देखा जाए तो इसे पंजाब हिमालय कहना चाहिए, लेकिन इसे रीजन के हिसाब से कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। द पार्ट ऑफ द हिमालय लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर इज नोन एज कुमाऊ हिमालय। यानी जो सतलज और काली रिवर जहाँ से बह रही है उस वाले एरिया को कुमाऊ हिमालय बोलते हैं। काली और तिस्ता रिवर जहाँ पे बह रही है उसे नेपाल हिमालय बोलते हैं, और तिस्ता और दिहांग रिवर के बीच वाले एरिया का जो हिमालय है उसको असम हिमालय बोलते हैं। देयर आर रीजनल नेम्स ऑल्सो इन दीज ब्रॉड कैटेगरीज। फाइंड आउट सम रीजनल नेम्स ऑफ द हिमालय। हिमालय के आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। अगर आपको मिलते हैं तो ये मुझे भी आप बताना। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। अब ब्रह्मपुत्र मैंने आपको बताया था, ये देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर आपको दिख रही होगी ब्लू कलर से, बिल्कुल ईस्ट में देखिए, ईस्टर्न पार्ट जो है आपका इसमें देखिए, ये जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये है हमारा ब्रह्मपुत्र। तो इस वाले पार्ट को आप देखिए, ये बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट जो है हमारा हिमालय का वो हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद है आगे देखिए,
अब यहाँ पर ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है बियॉन्ड दिहांग गॉर्ज द हिमालय बैंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलॉन्ग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। दे आर नोन एज द पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। जो बिल्कुल आपका ईस्टर्न वाला पार्ट है उसको पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली कम्पोज ऑफ स्ट्रंग सैंड स्टोन। नॉर्थ ईस्ट में जो आपको गारो खासी जयंतिया और अरुणाचल प्रदेश में जो आपको हिल्स या माउंटेन्स दिखते हैं ये भी स्ट्रॉन्ग सैंड स्टोन से बने हैं और इनको सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं। कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, यहाँ पर जंगल पाए जाते हैं बहुत सारे। पैरेलल रेंजेस मिलती हैं, वैलीज मिलते हैं। और जो पूर्वांचल है वो पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स से मिलकर बना है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये वाला एरिया पूर्वांचल कंप्राइजेस का, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से इसको मार्क कर लीजिए। ये जो आपका पूर्वांचल कंप्राइज जो यानी पूर्वांचल वाला एरिया है, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स से मिलकर बना है और मिजो हिल्स से। तो ये हमने डिस्कस किया हिमालय के बारे में, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में देखेंगे और इसको पढ़ेंगे। और हम आप लोग भी इसको थोड़ा सा पढ़ना, और जो मैंने आपको बीच बीच में क्वेश्चंस बताए हैं वो आपको करने हैं और मुझे इवनिंग तक करके भेजने हैं। और इस वीडियो को सभी ध्यान से देखें क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्कोरिंग है। तो और काफ़ी सारी न्यू चीज़ें भी आपको जानने को मिलेंगी। और ये नॉर्दर्न प्लेन्स जो हमारी सेकेंड लैंड फॉर्म होगी, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का जो पार्ट है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।